अब हम लोग बनाएंगे पैनकेक, सोया का पैनकेक। धक धक हुआ ना दिल में, देखते हैं कैसे बनता है। मुझे बताएंगे सामग्री हाँ। क्या क्या है? ये चावल का आटा है, ये बारीक कटा हुआ सोया है, ये गुड़ है, ये नारियल कसा हुआ है और थोड़ा घी। बस इतना ही। नमक वमक कुछ नहीं? नहीं नहीं, नमक नहीं, क्योंकि इसमें हम गुड़ डालते हैं ना, इसलिए हम नमक और गुड़ एक साथ मिला नहीं सकते, क्योंकि इसका स्वाद फिर अच्छा नहीं लगेगा। 36 का आंकड़ा है। हाँ। दोनों का 36 का आंकड़ा है। और सोए की सब्जी में थोड़ा सा गुड़ पड़ता ही है, और सब्जी में वैसे भी थोड़ा नमक का अंश होता है, इसलिए उसे डालने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग। पहले हम जरा सा आटा लेंगे एक कटोरे में, अंदाजन मतलब जितने लोगों को खाना हो उसके हिसाब से। तो मैं अकेला ही हूँ। हाँ, इसलिए मैंने उतना ही लिया है। आप सोया तो डाल रही हैं, बट आर यू श्योर? बिल्कुल, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये तो मैंने आपके सामने डाला इसलिए आपको पता चल रहा है। अरे बाप रे। और नारियल, ताजा घिसा हुआ नारियल। ये जो सोया इसमें डाला है आपने, इससे इसका टेस्ट कैसा होगा? अभी आप देखिए ना, खाने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें सोया डाला है या नहीं। आपको पता है फिर भी आपको पता ही नहीं चलेगा। और हमें क्या करना है कि अगर हमें इसे मीठा नहीं बनाना है तो हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च या हरी मिर्च या हरा धनिया मिलाए तो भी चलेगा। बदले? हाँ, मीठे के बदले। अच्छा। थोड़ा तीखा हो जाएगा। ओके, पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, और फिर इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भिगाएंगे, डोसे वगैरह के लिए जैसे हम पेस्ट बनाते हैं वैसे ही। अच्छा, पर ये सब अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हमें बहुत ज्यादा काम बहुत कम समय में करना है। ये मैंने वैसे ही घोल तैयार करके रखा है। ओके। वैसे भी किसी किसी को मीठे के साथ नमक की जरूरत पड़ती है, आपको चाहिए तो थोड़ा नमक डाल सकते हैं, पर सही में इसे नमक की जरूरत नहीं, मतलब जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ओके, एक मिनट। अब तवे पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। हाँ, इस पे फैले नहीं तो भी चलेगा, लेकिन पहले हमें इसे फैला लेना है तो फिर ये चिपकेगा नहीं। मतलब जितना कम से कम लगाएंगे उतना अच्छा है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा। ये घोल ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला होना मीडियम। चाहिए, ऐसा मीडियम। अच्छा, इसको भिगाने के लिए कितनी देर रखना पड़ेगा? एक घंटा रखना चाहिए। हाँ, भिगाते ही आप लोग इसको निकाल लो, ऐसा करना मत। कम से कम इसको एक घंटा आपको भिगा कर रखना पड़ेगा। इस बीच में आप कहीं भी घूम फिर करा सकते हैं, चलेगा। चाहे तो आप सीरियल भी देख सकते हैं। तैयारी करने तक ये भीग जाता है। हाँ, आपको जितना पतला चाहिए उतना कर सकते हैं। अच्छा, पर इसमें सोया डाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप देखते जाइए। इसमें सोया डाला है इसलिए मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन देखते हैं कैसा लगता है। पर असल में हम इस डिश को घावन कहते हैं, हमारे कोंकण की तरफ इसे घावन के नाम से जानते हैं, पर हमने इसे पैनकेक का नाम दिया क्योंकि बच्चे इसे पसंद करते हैं और बड़े पैनकेक बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ, हाँ, चलेगा 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 बोलते हैं। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ये नाश्ते के लिए बहुत ही बेहतरीन है, पेट भर जाता है और सब्जियां भी पेट में जाती हैं। ओके, एक बार इसमें हमने घी डाल दिया तो दोबारा डालने की जरूरत नहीं है? घी तो अब बिल्कुल ही नहीं डालना है। ओके, बस शुरू में एक बार लगाना है। ऐसे पहले इस तरह से इसे हम छुड़ा लेंगे। अरे शाबाश, अब ये दूसरी तरफ सिक जाएगा। इसको हम किसके साथ खाएंगे? घी के साथ। घी के साथ? हाँ, घी के साथ ही। क्या बात है, क्योंकि जो मीठी चीज होती है उसे हम घी के साथ खाते हैं, right. और जो तीखी होती है उसे सॉस के साथ खाते हैं। समझ गए, आज हमने सोया के गढ़ को भी फंसे कर लिया। कोई कुछ नहीं बोलेगा, लिख लीजिए सामग्री और रेसिपी। सोया पैनकेक बनाने की सामग्री: चावल का आटा, सोया की कटी हुई सब्जी, गुड़, कसा हुआ नारियल और घी। सबसे पहले एक बाउल में चावल का आटा, उसमें सोया की भाजी, कसा हुआ नारियल, गुड़ और घी को पानी के साथ मिलाकर उसका मिश्रण तैयार करना है। फिर इस तरह से पैनकेक्स को तवे पे सेक लेना है।